आप डकैत कैसे बने? बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। नमस्कार, मैं हूँ आरपी राजपूत, स्वागत है आपका स्पेशल भारत में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ चंबल की बीहड़ के बारे में और बताऊंगा कि चंबल की बीहड़ में कौन सा बागी कब से कब तक सक्रिय रहा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं चंबल के बीहड़ की ओर। ये चंबल का बीहड़ है। ऊंची नीची मिट्टी के टीले, कटीली झाड़ियाँ, नौदार मोड़ और बलखाती नदियाँ। कहते हैं चंबल के बीहड़ में शेर नहीं पाए जाते, लेकिन इन खूंखार डाकुओं के खौफ से पूरा चंबल घाटी कांपती थी। चंबल के पानी में बगावत है। चंबल के इलाके के आसपास गांव में माएँ बच्चों को जन्म देती हैं, वो बड़े होकर डकैत बनते हैं या फिर बनाए जाते हैं। चंबल के डाकुओं का इतिहास 1500 साल पुराना है। जब यूनानी सम्राट सिकंदर के खिलाफ यहाँ के लोगों ने पहला ऑपरेशन यहीं से शुरू किया था। कहते हैं चंबल के बागी बनने की कई वजह हैं, लेकिन कुछ सामंतवादी व्यवस्था से दमित होकर तो कुछ पुलिसिया उत्पीड़न से तंग आकर बंदूक थामकर चंबल के बीहड़ का रुख करते हैं। जब चंबल का जिक्र होता है तो हमारे जहन में डाकुओं की लंबी फहरिस्त तैरने लगती है। बागी मान सिंह, डाकू सुल्ताना मुस्तकीम, पान सिंह तोमर, पूरन देवी के। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंबल का क्षेत्र बागियों के मामले में सबसे ऊपर रहा है। एक जमाने में चंबल का ये बीहड़ डाकुओं का घर हुआ करता था, जहां से वो चोरी, डकैती, हत्या का कारोबार चलाया करते थे। चंबल घाटी के क्षेत्र में सामंतवादी व्यवस्था से परेशान होकर कुछ लोगों ने बंदूक उठाकर बीहड़ का रुख किया और खुद को बागी घोषित कर दिया। इनमें से कई लोकप्रिय भी हुए। कई डाकुओं को अपने जाति समूह के लोगों का समर्थन भी प्राप्त होता था। इनमें से ज़्यादातर डकैत अपने आप को बागी कहलवाना पसंद करते थे। बागी यानी किसी कारणवश बगावत की हो, ना कि खुद के लिए मजे के लिए डकैती डाली हो। कहते हैं मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझ कर पीना इस चंबल का पानी है। चंबल के पानी की तासीर कुछ ऐसी है। कुछ डाकुओं के गिरोह में खूबसूरत लड़कियाँ भी रहा करती थी, जैसे निर्मल सिंह गुज्जर, जो 3-3 गर्लफ्रेंडों के साथ चंबल के बीहड़ में रहा करता था। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और जानते हैं चंबल के बीहड़ में कौन सा डकैत कब से कब तक सक्रिय रहा। पहला नाम मानसिंह। मानसिंह भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक चंबल के बीहड़ में सक्रिय रहा। साल 1935 से 1955 के बीच मानसिंह ने करीब 1200 डकैतियों की वारदातों को अंजाम दिया था। वह भारत की आज़ादी से पहले और भारत की आज़ादी के बाद तक सक्रिय था। उसने 182 हत्याएं की थीं, जिनमें 32 पुलिस अधिकारी शामिल थे। राठौर राजपूत के घराने से संबंध रखने वाले मानसिंह ने अपने पुत्रों, भाई और भतीजों की बदौलत चंबल के इलाके पर राज किया। मानसिंह को स्थानीय लोग दयावान मानते थे, जो गरीबों की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहता था। उसकी छवि रॉबिनहुड सरीखी थी, जो अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था, इसलिए गरीबों के लिए वो सबसे प्यारा था। और वर्ष 1955 में सेना के जवानों ने मानसिंह और उसके पुत्र सूबेदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन आज भी मानसिंह की यहाँ पूजा होती है। खेरा राठौड़ इलाके में मानसिंह का एक मंदिर है, जहाँ उसकी पूजा होती है, क्योंकि गरीबों के लिए वह मसीहा था। अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था, यही कारण है कि आज मानसिंह की पूजा होती है। डाकू मानसिंह के जमीन पर साहूकार द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उस वक्त डाकू बनने की ज़्यादातर वजह यही हुआ करती थी कि जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, हत्या ली है, जिसकी वजह से लोग बंदूक थाम कर बीहड़ की ओर रुख करते थे। जमीन के अवैध कब्जे को छुड़ाने के लिए मानसिंह ने प्रयास को किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद घटना से आहत मानसिंह को लगा कि अब राजपूतों का वर्चस्व खतरे में है। फिर उसे जान बचाने और अपनी जमीन वापस लेने के लिए जुर्म ढाने के खिलाफ अब हथियार उठा लिया और चंबल का रुख किया। यहीं से शुरू होता है मानसिंह का बागी बनने का सफर। इसके बाद नाम आता है डाकू सुल्ताना। डाकू सुल्ताना की कहानी कितबंदी सरीखी है। कुछ इतिहासकारों में मतभेद है कि डाकू सुल्ताना मुस्लिम था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह हिंदू था। डाकू सुल्ताना ने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा था और वह अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानता था। सुल्ताना ने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा था। इस खूंखार डाकू से अंग्रेजी सरकार भी डरती थी, क्योंकि इसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। कहा जाता है कि ये डाकू अपने मुँह में चाकू भी छिपा सकता था, वो समय आने पर उसका इस्तेमाल भी करना जानता था। सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है कि ये जितना दिलेर था उतना ही रहम दिल। सुल्ताना खुद को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानता था। उसने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा था और कुत्ते का नाम राय बहादुर।
सुल्ताना का जन्म मुरादाबाद जिले के हथला गांव में हुआ था। सुल्ताना 17 साल की उम्र में ही डकैत बन गया था। 22 साल की उम्र में सुल्ताना का खौफ इस कदर था कि लोग इसके नाम से ही डर जाते थे। कहा जाता है कि सुल्ताना अपने मुंह में चाकू छिपा सकता था और समय आने पर उसका इस्तेमाल भी करना जानता था। सुल्ताना के बारे में धारणा थी कि वह केवल अमीरों को ही लूटता था और लूटे हुए माल को गरीबों में बांट दिया करता था, तभी गरीब लोग उससे प्यार किया करते थे। सुल्ताना का खौफ उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। सुल्ताना की तलाश में पुलिस हर बार जब चंबल का रुख करती थी तो उसे असफल होना पड़ता था। कहते हैं कि सुल्ताना डकैती डालने से पहले चिट्ठी भेजकर अपने आने की सूचना पहले दिया करता था और इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। सुल्ताना डाकू खास तौर पर अंग्रेजों को ही लूटता था। सुल्ताना का खौफ इस कदर था कि उस जमाने में अंग्रेजों ने इस डकैत को पकड़ने के लिए 300 जवानों की टीम बना रखी थी। इसमें 50 घुड़सवारों का दस्ता भी शामिल था। कहा तो ये भी जाता है कि सुल्ताना डाकू से एक अंग्रेज महिला प्रेम करने लगी थी और यह बात साल 1920 के दशक की है। भले ही अंग्रेज महिला का दिल सुल्ताना पर आ गया था, लेकिन इस खूंखार डाकू का दिल किसी और के लिए ही धड़कता था। सुल्ताना के गिरोह में करीब 100 डकैत शामिल हुआ करते थे। उस वक्त अंग्रेजों का एक ठिकाना नैनीताल भी हुआ करता था। इस रास्ते में अंग्रेजों के काफिले को सुल्ताना निशाना बनाया करता था और नजीबाबाद के जंगलों में छिप जाता था। सुल्ताना ने कई बार माल से लदी रेलगाड़ियों को लूटा और गरीबों में बांट दिया। अंग्रेज अफसर फ्रेंड यंग और शिकारी जेम्स जिम कॉर्बेट ने मिलकर सुल्ताना डाकू को पकड़ने की कोशिश की, बाद में सफल भी हो गई। जब सुल्ताना से उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे बेटे को अच्छी पढ़ाई कराई जाए। इसके बाद अंग्रेजों ने उसके बेटे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इसके बाद अंग्रेजी अधिकारी फ्रेंड यंग ने सुल्ताना को क्षमादान दिलाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। और इसके बाद 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना उसके गैंग के 15 अन्य साथियों के साथ फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद बात करते हैं पान सिंह तोमर के बारे में। भला पान सिंह तोमर को शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। पान सिंह तोमर पर कुछ वर्ष पहले एक फिल्म भी बन चुकी है। तोमर के डकैत बनने के पीछे जमीन विवाद का कारण था। डकैत बनने से पहले पान सिंह तोमर रुड़की स्थित बंगाल इंजीनियर्स में सूबेदार के पद पर तैनात थे। बाद में उनका चयन भारतीय सेना के लिए हो गया, जहां उनका झुकाव खेलों के प्रति था। उन्होंने लंबी बाधा दौड़ में खासा नाम कमाया था। अपनी मेहनत की बदौलत पान सिंह तोमर 7 सालों तक लंबी बाधा दौड़ में राष्ट्रीय चैंपियन रहे। 3000 मीटर की बाधा दौड़ को सिर्फ 9 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड पान सिंह तोमर ने अपने नाम किया था, जिसे 10 सालों तक तोड़ा नहीं जा सका। सेना से सेनानिवृत्त होने के बाद तोमर जब अपने गांव पहुंचे तो पता चला कि उनकी जमीन पर गांव के ही दबंग ने कब्जा कर रखा है। उसे छुड़ाने के लिए पान सिंह तोमर ने खूब प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पान सिंह तोमर कई दिनों तक पुलिस चौकी जाकर उस दबंग के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद बाबू सिंह के साथ पान सिंह तोमर का विवाद हो गया, जिसने पान सिंह तोमर की जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसके बाद पंचायत सिंह वृद्ध माँ के साथ बाबू सिंह ने धक्का मुक्की की और पान सिंह तोमर के घर को आग के हवाले कर दिया। तोमर ने बाबू सिंह की हत्या कर दी और चंबन का रुख कर लिया और खुद को बागी घोषित कर दिया। बाद में 60 सदस्यीय पुलिस दल के साथ हुई मुठभेड़ में पान सिंह तोमर अपने 10 साथियों के साथ मारे गए। अब नाम आता है फूलन देवी का। फूलन देवी के बगैर चंबल के डकैतों की लिस्ट पूरी हो नहीं सकती। फूलन का जन्म एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। बचपन में उनकी शादी उनसे करीब 12 साल बड़े एक व्यक्ति के साथ करा दी गई। इसके बाद फूलन देवी के साथ उसके पति ने बलात्कार किया और फूलन देवी को वापस उसके घर भेज दिया। बाद में सासुर ने उसके पिता से गुजारिश की कि फूलन देवी को अपने पास ही रखें। 16 वर्ष के होने के बाद जब फूलन देवी अपने ससुराल गई तो उनकी सास ससुर पति के साथ उनकी लड़ाई हो गई। उन्होंने उसे साथ रखने से साफ इनकार कर दिया और एक बार फिर से फूलन देवी को उसके अपने घर में भेज दिया। अपमानित फूलन डकैतों की एक गिरोह से जुड़ गई और अपने ससुराल जाकर पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद फूलन की गिरोह का सामना जब तक ठाकुरों की गिरोह से होता रहता था। एक मुठभेड़ के दौरान फूलन को बंदी बना लिया और 3 सप्ताह तक कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। फूलन देवी ने इसका बदलाव लेते हुए एक रात में 22 लोगों की हत्या कर दी थी। साल 1983 में फूलन ने समर्पण कर दिया। साल 1996 में फूलन देवी राजनीति से जुड़ गई और साल 2001 25 जुलाई को दिल्ली में 3 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। भले ही फूलन देवी चंबल का बीहड़ छोड़कर दिल्ली में रह रही थी, सांसद बन चुकी थी, लेकिन
चंबल की परछाई ने शायद उनका पीछा नहीं छोड़ा था। यही कारण था कि साल 2001 में फूलन देवी की हत्या कर दी गई। अब नाम आता है जगजीवन परिहार का। उत्तर प्रदेश के कोरेला गांव में जगजीवन परिहार ने एक ब्राह्मण परिवार के मुखिया की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद वह सलीम गुर्जर के गिरोह से जुड़ गया था। कुछ दिनों बाद सलीम के साथ अनबन होने की वजह से परिहार ने अपना एक अलग गिरोह बना लिया। अपना गिरोह बनाने से पहले परिहार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मुखबिरी का काम किया करता था। परिहार को दबोचना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था, क्योंकि उसे ग्वालियर और भिंड क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त था। जगजीवन परिहार ने प्रण लिया था वह अपनी जिंदगी में 101 लोगों की हत्या करेगा। हालांकि उसका यह प्रण पूरा ना हो सका। साल 2007 में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने परिहार को मार गिराया। इस घटना में एक इंस्पेक्टर की भी मौत हो चुकी थी। अब नाम आता है पुतली बाई का। पुतली बाई को इस देश की पहली महिला डकैत माना जाता है। माना जाता है कि पुतली बाई एक नैतिक ही थी जिसका अपहरण सुल्ताना डाकू ने कर लिया था। माना जाता है कि पुतली बाई नैतिक ही थी और अपने नृत्य की बदौलत वो अपना घर चलाया करती थी, लेकिन सुल्ताना डाकू को उस पर प्यार आ गया। सुल्ताना डाकू ने उसका अपहरण कर लिया और इसके बाद पुतली बाई उसके गिरोह में रम गई। पुतली बाई इसके बाद डाकू बनने के बाद पुलिस के दबाव की वजह से मुखबिरी के रूप में काम करने लगी और डकैतों के पास एक बार फिर से वापस चली गई। बाद में पुतली बाई को सुल्ताना से प्यार हो गया और उसने दो बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान सुल्ताना की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुतली बाई ने अपना एक अलग गिरोह बना लिया और चंबल के इलाके पर उसने एक छत्र राज किया। करीब 3 सालों तक उसने चंबल घाटी के क्षेत्र में हत्या, अपहरण और फिरौती की घटनाओं को अंजाम देकर अपना दबदबा कायम रखा। इस क्षेत्र के दतिया गांव में पुतली बाई ने एक ही रात में 11 लोगों की हत्या और 5 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था। यही नहीं, पुतली बाई के गिरोह के सदस्य 7 लोगों का अपहरण करके भी ले गए थे। दरअसल पुतली बाई को शक था कि दतिया के लोगों ने उसके बारे में पुलिस को सूचना दी है। बाद में एक मुठभेड़ के दौरान पुतली बाई अपने कल्ला गुर्जर के साथ मारी गई। अब बात करते हैं मलखान सिंह के बारे में। मलखान सिंह के डकैत और फिर डकैत से सावनवाद आदमी बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। मलखान सिंह ने अपने गांव के सरपंच पर आरोप लगाया था कि उसने मंदिर की जमीन हड़प ली है। जब मलखान सिंह ने इसका विरोध किया तो सरपंच ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और मित्र की हत्या कर दी। माना जाता है कि वह सरपंच एक मंत्री का करीबी था और पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती थी। विरोध स्वरूप मलखान सिंह ने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद मलखान सिंह ने राइफल उठा ली और खुद को बागी घोषित कर दिया और पीड़ का रुख किया। साल 1982 में मलखान सिंह ने अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने मलखान और उसके गिरोह पर अन्य साथियों को समाज की मुख्यधारा में लाने की पूरी कोशिश की। उसे भूदान आंदोलन के तहत मिली जमीन दे दी ताकि वह सामान्य आदमी के रूप में अपना गुजर बसर कर सके। बाद में मलखान सिंह ने पंचायत चुनाव लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की। साल 2014 के चुनाव में मलखान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में कहते हुए चुनाव प्रचार किया था कि वह कांग्रेस के राज में डकैत बनने के लिए मजबूर हुआ था। वहीं नोटबंदी के दौरान मलखान सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी कि वो नोटबंदी की लाइन में एक आम व्यक्ति की तरह ग्वालियर में खड़े देखे गए थे। अब बात करते हैं रामबाबू और दयाराम गडरिया के बारे में। रामबाबू और दयाराम गडरिया भाई थे जो बाद में कुख्यात डकैत बन गए। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनकी ग्रुप T1 यानी टारगेट 1 का नाम दिया था। यह ग्रुप इस सफाई से काम करता था कि पुलिस को यह तक पता नहीं चल पाया था कि आखिर इसके कितने सदस्य हैं। माना जाता है कि साल 1997-98 में रघुवीर गडरिया ने इस ग्रुप को बनाया था। दरअसल रघुवीर की पत्नी उसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी। इस घटना से आहत होकर रघुवीर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। अपने भतीजों रामबाबू दयाराम विजय प्रताप और गोपाल के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया। साल 1999 में एक आपराधिक वारदात के दौरान गोली लगने की वजह से रघुवीर को मारा गया। उसके साथ मारे जाने वाले 3 अन्य सदस्य भी थे। वही साल 2000 में इस गिरोह के कई सदस्य पुलिस की हत्या चढ़ गए, लेकिन ये लोग साल 2001 में एक जेल से दूसरे जेल ले जाते वक्त पुलिस को झांसा देकर भाग निकले। साल 2006 के अगस्त महीने में एक मुठभेड़ के दौरान दयाराम की मौत हो गई। वहीं साल 2007 के मार्च महीने में रामबाबू एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। अब बात करते हैं चंबल के सबसे रंगीले डकैत के बारे में, जो शराब और शबाब का शौकीन था। नाम है निर्भय सिंह गुज्जर। चंबल घाटी के इलाके में करीब 40 गांव में निर्भय सिंह गुज्जर ने अपनी ही एक सरकार बना रखी थी। निर्भय सिंह की सिर पर सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। निर्भय सिंह गुज्जर
40 गांव में अगर किसी लड़ाई झगड़ा या फिर कोई विवाद होता था तो खुद ही निपटारा किया करता था। उसकी पंचायत लगती थी, ऐसे मानो कि डकैत ना हो कोई किसी ग्राम का सरपंच हो या फिर मुखिया। निर्भय सिंह गुज्जर 40 गांव में उसका आतंक था और कहीं भी कोई घटना होती थी तो उसका निपटारा निर्भय सिंह गुज्जर ही किया करता था। 8 नवंबर 2005 को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान गुज्जर की मौत हो गई। निर्भय सिंह गुज्जर को न केवल कई आपराधिक वारदातों के लिए जाना जाता था बल्कि उसके गिरोह में कई खूबसूरत लड़कियाँ थीं। इन दस्यु सुंदरियों में सीमा परिहार, मुन्नी पांडे, पार्वती और चंपू, सरला जाटा और नीनू प्रमुख थी। निर्भय ने इन लड़कियों का अपहरण किया था और बाद में ये उसकी गिरोह की प्रमुख सदस्य बन गई। निर्भय सिंह गुज्जर की मौत के बाद सरला जाटा ने इस गिरोह की कमान अपने हाथों में ले ली थी। निर्भय सिंह गुज्जर ने 4 शादियाँ की थी। निर्भय सिंह गुज्जर को शराब और शवाब का शौकीन माना जाता था, तभी तो अपने गिरोह में कई लड़कियाँ रखता था और उनको जीन्स पहनने के लिए मजबूर किया करता था। निर्भय सिंह गुज्जर के मारे माना जाता है कि जहाँ भी वो चोरी डकैती की वारदात को अंजाम देता था वहाँ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार भी किया करता था। निर्भय सिंह गुज्जर की गैंग के कई सदस्य बताया करते थे कि निर्भय सिंह गुज्जर जहाँ भी जाता था वहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जरूर करता था। अब बात करते हैं सीमा परिहार के बारे में। सीमा परिहार का जन्म उत्तर प्रदेश के गरीब ठाकुर परिवार में हुआ था। 1983 में सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में डकैत लाला राम और कुशवा नायन ने उसका अपहरण कर लिया था। सीमा परिहार ने डकैतों की गिरोह में आने के बाद उनके साथ ही उचित रहना समझा। 1986 में निर्भय सिंह गुज्जर के साथ शादी रचा ली। समय बीतने के साथ उसने अपने एक अलग गिरोह बना लिया। कहा जाता है कि सीमा परिहार ने 70 लोगों की हत्याएं और 2000 लोगों का अपहरण किया था। यही नहीं, उसने 30 से अधिक घरों में डकैती डाली थी। साल 2000 में उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और राजनीति में जाने की महत्वाकांक्षा सीमा ने भी बस 2002 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में शिवसेना का समर्थन किया था और साल 2006 में वह इंडियन जस्टिस पार्टी से जुड़ गई। वहीं साल 2008 में शुरुआत में ही उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ शुरुआत की, लेकिन इसी साल अंत में सीमा ने लोक जनशक्ति पार्टी को अलविदा कहते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बाद में सीमा ने टीवी सीरियल बिग बॉस में हिस्सा लिया। अब बात करते हैं ददुआ के बारे में। शिव कुमार पटेल और ददुआ चंबल के क्षेत्र में आतंक का पर्याय था। 16 मई 1978 को 22 साल की उम्र में ददुआ ने पहली हत्या की थी। कहा जाता है कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। इस घटना के एक घंटे बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यह ददुआ की पहली और आखिरी गिरफ्तारी थी। जेल से छूटने के बाद वह ददुआ राजा रंगोली के गिरोह से जुड़ गया था। वहाँ उसने गया कुर्मी से आपराधिक गतिविधियाँ सीखी। राजा के गिरोह के एक सदस्य एक के बाद एक जब ढेर हो रहे थे तभी ददुआ ने अपना गिरोह बनाया और उसे कुर्मी समुदाय की सहानुभूति भी प्राप्त थी। 1986 में ददुआ ने एक व्यक्ति को पुलिस का मुखबिर बताकर हत्या कर दी। यही नहीं, उसने 9 अन्य लोगों को निर्ममता से मार डाला। प्रशासन द्वारा बढ़ती दंभिस को देख ददुआ ने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाना शुरू कर दिया। 22 जुलाई 2007 को ददुआ अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ पुलिस मुखबिर में मारा गया। अब बात करते हैं अनीसा बेगम के बारे में। अनीसा बेगम ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में डकैतियों की वारदातों को अंजाम दिया था। उसका नाम लोगों में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी था। अनीसा बेगम के बारे में कहा जाता है कि वह कोई भी हथियार आसानी से चला सकती थी। उसे न केवल लाठी चलाने का ज्ञान था बल्कि वह बंद राइफल, छुरी और चाकू से भी हमला करना जानती थी। अनीसा का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन में के रामपुरा गांव में हुआ था। उसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं है कि वह डकैत कैसे बन गई, लेकिन यह पता है कि वह सलीम गुर्जर के गिरोह की एक प्रतिष्ठित सदस्य थी। बाद में उसने सलीम गुर्जर से दूरी बनाते हुए अपना एक अलग गिरोह बना लिया था। अब बात करते हैं सरला जाटाव के बारे में। निर्भय सिंह गुज्जर की मौत के बाद सरला जाटाव ने ही उसके गिरोह की कमान संभाली थी। वो चंबल के इलाके पर एक छत राज किया था। माना जाता है कि उसके गिरोह में दो टुकड़ों में उसने पाट दिया था। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही सरला का अपहरण कर लिया गया था। वह निर्भय सिंह गुज्जर के साथ रहा करती थी। निर्भय ने पहली शादी मुन्नी पांडे के साथ की थी। बाद में उसने नीलम गुप्ता को अपनी दूसरी पति बनाया। निर्भय ने सरला की शादी 16 साल की आयु के श्याम जाटाव से करा दी थी, लेकिन सरला की ओर और संदाता बढ़ने के साथ ही निर्भय ने उस पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए थे। उसने सरला को भगाने में मदद की और हर तरफ एक बार खिला दी कि सरला की मौत सांप के डरने से हो गई है। जींस और रेबन गॉगल्स की शौकीन सरला को पुलिस के मुखबिरों ने पहचान लिया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। तो दोस्तों, ये थे चंबल की खूंखार डकैत जिनसे पूरा पीहर कांपता था। फिलहाल चंबल खाली हो चुका है। अब कोई बागियों का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही चंबल में अब खौफ है और ना ही कोई बागी। दोस्तों, अगले किस बागी के ऊपर वीडियो बनाएं कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए
इंडिया स्पेशल के साथ।